अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या समस्या लेकर आए हैं? हम रोड की समस्या लेकर आए हैं। अजावस्ती से आए हैं सर। हमारे यहाँ आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है, कच्ची सड़क है। बच्चों को स्कूल आने जाने में समस्या आती है, हमको भी आने जाने में समस्या आती है और कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच मंत्री को आवेदन दिए तो सरपंच मंत्री बोले आप ग्राम आबादी में नहीं आते हो, इसलिए आप पर बोले आपके इधर का कुछ भी नहीं होना है। ना तो हमें कुछ सुविधा मिल रही है और ना हमारे रोड की कोई कार्रवाई हो रही है और ना रोड बनाने का कोई। वोटर आईडी बना हुआ आपका? राशन कार्ड सब कुछ बने हुए हैं लेकिन हमको बोलते हैं कि आप ग्राम आबादी में नहीं आते। इस बार वोट किया था आपने चुनाव में? इस बार वोट किया था और अब हमारा कहना है कि अब अगर रोड नहीं तो वोट। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप परमार है, दसवल्ले तहसील। कौन सी आपकी? तहसील देवास। यहीं आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? हम रोड की समस्या लेके आए जी। क्या है रोड की समस्या? रोड हमारा बना ही नहीं रहा, हमें कीचड़ गन गन पर उतरी जाए, हमारे घर से रोड के जाने में तकलीफ। तो मुख्य मार्ग है क्या वो? मतलब मेन रोड है क्या वो? मेन रोड मतलब गांव से थोड़ा अंदर है। अच्छा, तो कितने वर्षों से समस्या आई? 40 साल हो गया हमारे जी। अभी आप जनसुनवाई में आए हैं, क्या कहा आपको? कौन से गांव से आए आप? बताएं क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम कुलवर चंदेल, राम आनंदपुर डुमरिया से जन सुनवाई में आवेदन देने आए हैं। एक साल भर से तो पानी नहीं मिल रहा गांव में, पूरी गांव की गली ना खोती, कीचड़ पानी मतलब बहुत सारी गंदगी हो गई है। सरपंच 6 महीने से जेल में। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, उचित हटाया जाए सरपंच। अच्छा, आपका नाम? रामगोपाल चंदेल। अभी क्या समस्या लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए थे और कहाँ से आए हैं आप? अमरपुर डुमरिया का केस है जिसमें सरपंच ने रामचंद्र जी को कुल्हाड़ी से 10 मार्च को रखना है, जिसमें कायमी 326 धारा लगी हुई है। आज पूरे उनको 5 महीने हो गए हैं, पंचायत में कोई कार्य नहीं हो रहा है, प्लस आज 80 दिन टोटल जेल में है और 2 बार सेशन से और 2 बार हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ है जिसमें आपत्ति उनकी खारिज हुई है। तो हम धारा 39 और 40 के संबंधित आए कि सरपंच पद से हटाया जाए। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने क्या है कि सीओ साहब और एडीएम साहब उसका निर्णय लेके जो भी होता है संतुष्ट है आप इनकी बात? ग्रामीण जनता और ग्रामवासी ग्राम पंचायत बगाना विधानसभा क्षेत्र देवास के निवासी हैं और जो बगाना गांव से लेकर के मालखेड़ा रोड तक का जो रोड है करीबन 1.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है और वहाँ उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता वहाँ से, और करीबन 25 से 30 घर की वहाँ बस्ती है आसपास, उनका रहना एकदम नर्क समान हो गया, एकदम पूरे मच्छर अच्छे। उसमें आप बता रहे थे कि एक स्कूल है वहाँ पर जहाँ पे 12 से 15 गांव के बच्चों के बगाना में ही हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से आसपास के कम से कम 8 या 10 गांव के जो विद्यार्थी हैं रोज पढ़ने आते हैं, बाहर से जो सर वगैरह है वो बेचारे जो बस से जो आते हैं वो पैदल वहाँ से निकलते हैं, तो उनकी भी मतलब स्थिति इससे खराब हो जाती है कि उनके नीचे का पेंट जो भी है। इसको लेकर आज आपने जनसुनवाई में आवेदन दिया था? जनसुनवाई हमने जनसुनवाई में 8 दिन पहले भी आवेदन दिया था। अच्छा, उसके बाद आज हम वापस फिर गए थे आज, तो वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि या तो PWD बनाएगी या विधायक साहब से आप मंजूर करवाइए विधायक हमसे, तो इसके लिए हम आज यहाँ पैलेस पे आए थे और यहाँ पे भी वो मिले नहीं, कहीं गए हैं बाहर और देखते हैं। आप आवेदन दे दिया हमने, क्या होगा उसका? वो मेन रोड है हमारे गांव का सर, शमशान घाट जाने के लिए भी वही रास्ता हमारा, उसी रास्ते जाते कम से कम 50 से 100 किसान के खेत भी है उधर सर, तो वहाँ खेती करने के लिए रोज वाहन भी वहीं से निकलना पड़ता है, हमारे मवेशी भी वहीं से निकालने पड़ते हैं। उज्जैन जिला भी कनेक्ट होता है? कहा था उज्जैन, कुछ बता रहे थे तरह ना वहाँ से? नहीं नहीं होता, वो तो सर वो देवास का ही क्षेत्र, देवास का ही क्षेत्र है, देवास विधानसभा का क्षेत्र। कितना किलोमीटर का लंबा रोड है आपका? 1.5 किलोमीटर है सर। इसके पहले जो जनसुनवाई के पहले और कहीं जनप्रतिनिधि सरपंच वगैरह से आपने बात की थी? अच्छा, अभी आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आगामी फिर आएंगे आप, क्या करेंगे? आगामी हमारा प्रयास है कि हम प्रयास करेंगे, हम आम जन है, हमारा किसी प्रकार से कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है,
विधायक साहब के यहाँ आवेदन दिया है, प्रार्थना है हमारी काम कर पाए तो ठीक है, अन्यथा जो मार्ग है या तो पूर्णतः से अगर बंद है, सबका कहना ये कि उसको कोई सही नहीं करवा सकता, तो हम फिर मार्ग बंद कर देंगे और आगे जो भी प्रोसेस होती है वो कुछ प्रक्रिया करेंगे यदि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आम जन परेशान काफ़ी है।